सुदर्शन चक्र पौराणिक काल का ऐसा अस्त्र जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था, ऐसा अस्त्र जो अभेद था और अपना कार्य पूरा करने के बाद ही वापिस आता था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र कहां है। दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। ये अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं हमारे पुराणों में आपको मिल जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था और इसे भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन के कार्य के लिए दिया था। अन्य पुराणों में भी ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। सूर्य की अभेद राख से उन्होंने तीन चीजों का निर्माण किया, पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। जबकि ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है जो समय को भी बांध सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की, तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा ना ही कोई धारण कर सकता है और ना ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की, तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर जन्म लेंगे, तब वो ही सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी गर्भ से ग्रहण करेंगे। कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी, तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल्कि अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर उसका उपयोग करेंगे, जिससे वो बुराई का अंत कर देंगे। परंतु अगर हम ऋग्वेद में बताए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें, तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। समय के अंतराल का उपयोग कर वो किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझें, तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं जो कोई और देख या धारण कर सके। ये सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का अभेद गुण है जो हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा। दोस्तों, आप भी अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स से ही हमें नई वीडियोस के लिए टॉपिक्स मिलते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।